अब हमारे गुरु जी ने बताया, उनने 10 स्टेप बताए थे सफलता के, अगर आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो, लेकिन 100% स्वयं की गारंटी है कि अगर इन चीजों को आपने लिखिए नहीं, आप सुन लीजिए, 100% अगर इन 10 सिद्धांतों को पालन करोगे तो इस धरती में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आपके सपनों को तोड़े और आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो है मना करे, आपके सपने ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। मैं आभारी हूँ टीएनसी मैनेजमेंट का, जिन्होंने इतने सुंदर से अवसर पर और जूम आईडी में ऑनलाइन मीटिंग में हमारे जैसे लोगों को बोलने का मौका दिया, तो हम चाहेंगे सब लोग इनके लिए एक बार धन्यवाद दे दें, मेरी तरफ से भी धन्यवाद धन्यवाद। इस बिजनेस में आने से पहले, मेरी आवाज साफ आ रही है, इस बिजनेस से आने से पहले मैं शिक्षित बेरोजगार था, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ अपने बारे में बताऊंगा थोड़ा, कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ और मेरे पिताजी मजदूर थे, मैं उनके साथ में मजदूरी करने जाया करता था। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था तो मैं किसी काम की तलाश करता था, लेकिन जो है कोई काम हमको ऐसा नहीं मिलता। धीरे 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 चलते चलते मैं गांव का रहने वाला हूँ, और मैं धीरे धीरे काम करने के वास्ते शहर में आया, कानपुर शहर में काफी दिन तक मैंने काम किया, और जो है मेरा बैकग्राउंड कानपुर के जितने लोग हैं सब लोग जानते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमारा ऑफिस है टीएनसी का, वहां मैंने काफी दिन तक काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस काम को करने में लोगों को शर्म आती है, लोग परेशान होते हैं, जिस काम को करते नहीं है, जहाँ हमारा टीएनसी का ऑफिस है उसी के ठीक सामने एक मकान है 213 एन ब्लॉक के दो नगर, वहां पर मैंने 7 साल जो है 7 साल झाड़ू पोछा बर्तन सारे कार्य जो है ये, यहाँ तक कि खाना भी बनाया, और केवल खाने भर। दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, और क्या कहते हैं कि इस लॉकडाउन में जब एक बार हम कानपुर में रह के, जैसे लोग यहाँ से लॉकडाउन के समय काफी मजदूर लोग जा रहे हैं भाग रहे हैं, तो हमको भी एक अवसर ऐसा आया था कि जब एक बार दंगा हुआ था, जब मस्जिद टूटी थी तब तो वहां पर कर्फ्यू लगा था, तो यहाँ पर जैसे लोग खाने के लिए परेशान होते थे, तो हम भी 7 दिन कर्फ्यू में फंसे थे और खाने के लिए परेशान थे। केवल 1 किलो आलू से 7 दिन तक हमने खाना खाया था, तो इसलिए उस वहीं पर डिसाइड किया था कि कभी भी ऐसा मौका आ जाए तो ऐसा समय हमको ना देखना पड़े, और इसलिए हम लोग जो है बड़े काम की तलाश में थे। तो दोस्तों अगर आप सोच सकते हो तो बड़ा हासिल कर सकते हो। इस बिजनेस में हम कैसे आए, आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हमने काफी जगह कई तरह के काम किए, लेकिन उससे केवल जरूरतें पूरी होती थी, सपने पूरे होते नजर नहीं आते। धीरे धीरे होते होते एक हमारे भाई लगते हैं, हेमंत जी हमारा छोटा भाई है, काफी दिन आता था, कहता था भैया ये काम कर लो ये काम कर लो, क्योंकि बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनी हमने की थी, हर नेटवर्क में हम फेल हुए, और 7-8 साल ये बिता दिए कि हम फेल हुए, तो मैंने कसम खा ली थी कि जिंदगी में आज के बाद नेटवर्किंग हमको करनी ही नहीं है। वो धीरे धीरे आते रहे, बोले भैया हमको आईडी दे दो, हमने आईडी दे दी, और इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 3-4 महीने बाद उसने हमको प्लान दिखाया, तो हम उसके प्लान से संतुष्ट हुए, लेकिन हमने उससे कहा था कि काम मैं करूंगा अपने लिए नहीं करूंगा, आपके लिए करूंगा, और मैंने उसके लिए काम करना चालू कर दिया, क्योंकि वो जो हमारा छोटा भाई था वो भी परेशान था, तो हमने सोचा चलो मेरा तो भला नहीं हो रहा, मेरी वजह से किसका भला हो जाएगा। तो यही चीजें हम सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के दिमाग में रहती है कि हम दूसरे के लिए काम करते हैं। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि इस बिजनेस को हम अपने लिए करने लगे, जब वो सफल होने लगा तो अपने लिए करने लगे, और धीरे धीरे तक जो है यहाँ तक हम करने लगे। और इसके बाद जब मैंने चालू किया, तो जब बिजनेस की शुरुआत की, तो हम जब इस बिजनेस की शुरुआत की तो हम लोगों के पास जाते थे, जब इस बिजनेस के प्लान को लेकर जाते थे लोगों के पास जाते थे, तो जब बड़े लोगों के पास जाते थे तो कहते थे छोटे लोगों का काम है, और जब छोटे लोगों के पास जाते थे तो कहते थे बड़े लोगों का काम है। काफी दिन तक तो हमको यही नहीं समझ में आया कि काम छोटे लोगों का है कि बड़े लोगों का है। जब प्रोडक्ट की बात करो तो छोटे लोगों से बात करो तो कहते थे बड़े लोगों का काम है,
और जब बड़े लोगों से बात करो तो कहते थे ये छोटे लोगों का काम है, ये हमारे स्टैंडर्ड हमारे स्टेटस का है ही नहीं, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था सफल होने के लिए, या तो पूरी जिंदगी भर मजदूरी करें, जरूरतें पूरी करें, या तो दो चार पांच साल में कोई ऐसा काम कर लें जिससे हम सपने पूरी करें। क्योंकि मुझको पक्का पता था नौकरी और व्यापार करके, ट्रेडिशनल मार्केट में नौकरी और व्यापार करके कोई बड़ा आदमी बन नहीं सकता, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं। हमने पूरी नातेदारी रिश्तेदारी अगल बगल पड़ोसियों में सब जगह देखा था कि जितने लोग नौकरी व्यापार करते हैं तो उनकी जिंदगी केवल चल रही है, जिंदगी काट रहे, जिंदगी जी नहीं रहे। तो मैंने डिसाइड किया था कि हमको जिंदगी काटना नहीं, हमको जीना है। क्योंकि हम लोग जिस लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो वहां सब छोटे लोग होते हैं, और छोटे लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी आदत होती है, छोटे लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी आदत होती है। सबसे अच्छी आदत क्या होती है कि एक तो लोग बड़ा सोचने से डरते हैं, और सबसे दूसरी बात होती है बड़ा देखने से डरते हैं, और तीसरी बात होती है बड़ा करने से डरते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज होती है कोई चीज जानते नहीं है, और दूसरी चीज मानते नहीं है, और तीसरी चीज कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा ज्ञान हिंदुस्तान में, अगर सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग हैं तो जो सबसे छोटे लोग हैं उनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है। अगर उनके पास कार नहीं है तो कार के बारे में सबसे अच्छा जानते हैं। जिसके पास कार हो सकता हो ना जानता हो, लेकिन जिसके पास कार नहीं उनको सबसे ज्यादा तजुर्बा है। जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है उसको मोटरसाइकिल का पूरा ज्ञान है, लेकिन जिसके पास मोटरसाइकिल है उसको मोटरसाइकिल का ज्ञान नहीं है। तो हम बताते हैं लोगों, सबसे अच्छी आदत होती है हम लोगों के अंदर कि हम लोग एक तो कोई चीज जानते नहीं, दूसरी चीज मानते नहीं, और तीसरी चीज कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको सब कुछ पता है सबसे ज्यादा वही लापता है दोस्तों। और हमने देखा है आजकल कि जितना होशियार आदमी है उतने ज्यादा परेशान है। जिसको सब कुछ पता है सबसे ज्यादा वही लापता है, और जितना पढ़ा लिखा आदमी है वो हर व्यक्ति पढ़ा लिखा आदमी कम पढ़े लिखे वालों के यहाँ नौकरी कर। तो दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत हमने चालू की, और धीरे धीरे शुरुआत करते रहे, और स्टार सिक्स धीरे धीरे हमारे छोटे भाई ने किसी तरह करा दिया। एक दिन छोटे भाई ने क्या किया, क्योंकि भाई छोटा था तो उसकी बात मैं मानता नहीं था, तो उन्होंने अर्जुन सिंह जी हमारे गोल्ड लाइन है, हमारे जो गुरु भी है और हमारे जो महागुरु है के पांडे साहब, उनको उनसे मिलवाया, और उनसे मिलवाने के बाद उन्होंने हमको इतनी मोटिवेट किया। हमने अर्जुन सर से बात की, वही एके पांडे सर से बात की, दोनों लोगों ने एक ही चीज बताई। अर्जुन सर एके पांडे जी की तारीफ कर रहे थे, एके पांडे जी अर्जुन सर की तारीफ कर रहे थे, तो हम सोचे दोनों लोग बहुत बड़े लीडर, हमको दुनिया कोई ज्ञान नहीं था, तो इनकी बात समझने में आ गई। और एके पांडे सर ने एक चीज कही थी कि जिस व्यक्ति ने अपलाइन को, अगर अपलाइन से प्लान दिखवाएगा, फॉलोअप करवाएगा, मीटिंग करवाएगा और प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करवाएगा, वो व्यक्ति ज्यादा दिन तक इस बिजनेस में रुक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सफलता के चांस बहुत कम है। अगर जिस दिन सारी जिम्मेदारी वो डिस्ट्रीब्यूटर करने लगता है, सारे काम करने लगता है, तो वो व्यक्ति जल्दी सफल होता है। और यही चीज एके पांडे सर जी ने बताई, यही चीज अर्जुन सर जी ने बताई, तो दोनों चीजों की जब मिलान हुआ, जब दोनों चीजें मैच हो गई, तो मैंने अपनी अपलाइन से नमस्ते कर लिया, और मैंने सीधे अपने भाई से बोला, जो मेरे डायरेक्ट अपलाइन है हेमंत जी, हमने कहा आज के बाद आपको मेरी टीम में आपको आने की जरूरत नहीं, ना प्लान दिखाने की जरूरत है, ना फॉलोअप करने की जरूरत है, ना प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करने की जरूरत है, सारी चीजें मैं करूंगा, और जहां मुझको नहीं आएगा तब मैं आपसे मदद लूंगा, तब मेरी जो है आप मदद करिएगा। और उस दिन से मैंने काम करना चालू किया, और जब उस दिन से काम करना चालू कर दिया तो दोस्तों मुसीबत का पहाड़ टूटने लगा। क्योंकि हम जाते सबसे पहले जब बिजनेस में ज्वाइन होते हैं तो जाते किसके पास है, अपने नाते रिश्तेदारों के लोगों के पास, पड़ोसियों के पास, अगल बगल जहां नौकरी व्यापार करते हैं उनके पास जाते हैं, जिनको जानते नहीं उनके पास नहीं जाते। और जब इन लोगों के यहाँ जाना चालू कर दिया तो पहले दिन तो लोग बड़े इज्जत से बात करते थे, जब अपनी बात बताते थे और प्लान भी देख लेते थे, और जब दोबारा जाते थे तो ये लोग बोलते नहीं थे, फोन भी नहीं उठाते थे, और घर में रहते हुए बोल देते थे हम घर में नहीं। यहाँ तक कि खास खास लोग ऐसे थे जिनके घर में मैं जाता था तो घर में मोटरसाइकिल और स्कूटी खड़ी होती थी,
और जब हम कुंडी खड़खड़ाते थे तो हमने कहा मोटरसाइकिल तो खड़ी थी भैया अभी यहाँ पर है, तो कहे नहीं नहीं हमने देखा कि है और घर के अंदर गए हैं, लेकिन नहीं नहीं उनकी मैडम ने कह दिया नहीं दूसरे के साथ चले गए। अब समझिए जिनके एक फोन से एक आवाज में जो आदमी आ जाता हो जाते हो, तो इस तरह का जो है चीजें हमको उठानी पड़ी। हो सकता है आप लोगों को ना उठानी पड़ रही हो लेकिन हमको तो उठानी पड़ी, लेकिन इस सिस्टम में आके सबसे बड़ी बात है इस सिस्टम को इसलिए करना चाहिए कि आदमी की असली नकली की पहचान हो जाती है। और हम लोग ज्यादातर हवा में उड़ते हैं तो हम लोगों की असली पहचान पता चल जाती है, जमीन पता चल जाती है कि हम किस लेवल पे हैं, कितने गहरे पानी में। इसलिए नेटवर्किंग तो एक बार हर आदमी को कहना चाहिए, लेकिन नेटवर्किंग इतनी छोटी चीज नहीं है। नेटवर्किंग को लोग टीवी का मरीज समझते हैं, जो व्यक्ति नेटवर्किंग कर रहा है हमारा टीएमसी डिस्ट्रीब्यूटर है। जब ये लोग जाते हैं तो जैसे पहले गांव में होता था जो टीवी का मरीज होता था तो उसको घर के बाहर रख दिया जाता था, उसके बर्तन कपड़े लगते अलग रख दिए जाते तो निकलता था, लोग गली से हट जाते थे। इस नेटवर्किंग को टीएमसी नेटवर्किंग को लोग छुआछूत की बीमारी समझते हैं और सोचते हैं कि जो है ऐसा नहीं कि हमको छू लेगा तो कहीं क्या कहते हैं ऐसा ना हो कि हमारे भी हो जाए इसके भी हो जाए, तो इसलिए लोग नेटवर्किंग को छुआछूत की बीमारी समझते हैं। लेकिन उनकी गलत फहमी है, नेटवर्किंग छुआछूत की बीमारी नहीं है, नेटवर्किंग राजाओं का व्यापार। नेटवर्किंग क्या है? राजाओं का व्यापार है, क्योंकि लोगों को नेटवर्क की परिभाषा नहीं पता है। नेट प्लस वर्क बराबर होता है किंग, नेट प्लस वर्क बराबर किंग। अब किंग माने क्या होता है? राजा होता है, तो राजाओं का व्यापार इतनी आसानी से थोड़ी हो जाएगा। और राजा वही बन पाता है जिसके सपने होते हैं, जो सपने देखता है वही चीजें सारी चीजें हासिल करता है, और जो सपने नहीं देखता है वो सारी चीजें हासिल नहीं कर सकता है। क्योंकि जब इस तरह का हमने काम चालू किया तो सारे हालात विपरीत हो गए, नाते रिश्तेदार सारे चीज विपरीत हो गए, घर वाले भी विपरीत हो गए, सारे लोग विपरीत हो गए, और स्टार्टिंग में इसमें पैसा मिलता नहीं है तो सब लोग भी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि इस व्यापार में जो लोग आते हैं तो ज्यादातर सोचते हैं कि हमको चार दिन काम किया पैसा मिल जाए, 15 दिन काम किया तो पैसा मिल जाए, 1 महीने काम किया पैसा मिल जाए, 2 महीने काम करें पैसा मिल जाए, 4 महीने काम करें पैसा मिल जाए। इस तरह से आप पैसा नहीं मिलता है। ये हम लोग कोई दिहाड़ी मजदूरों वाला काम तो कर नहीं रहे कि हमको 1 महीने 2 महीने पैसा मिल जाए, ये हम लोग राजाओं का काम कर रहे हैं। और राजा बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि राजा वही बनता है जिसकी सोच अच्छी है, जो पॉजिटिव सोचता है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, उसी का अपमान होता है, और जिसका अपमान होता है उसी का जो है सम्मान होता है। तो इस तरह से जब हम लोग जाते थे तो लोग हमारी बेइज्जती भी करते थे, लेकिन मेरा क्या है सपना मजबूत था, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता था। क्योंकि जब मैं एक काम करता था खाने भर के लिए, जब मैं काम करता था, सौभाग्य की बात है सारे लोग देख सकते हैं जहां हमारी कानपुर के टीएमसी की ऑफिस है, 213 ब्लॉक के दुबई नगर आज भी घर है, तो मैं केवल खाने भर में 7 साल तक वहां सारे काम किए, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धुलना खाना बनाना सारे काम करना, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था। तो इसलिए जो है मेरे हालात बिल्कुल बेकार हो गए, लेकिन मेरा जो सपना था, मैं मेरा सपना था कि मेरा एक मकान हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, आम लोगों से हट के, क्योंकि मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। मैंने शुरू में सोचा था कि मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, और मैंने ये तय कर लिया था कि मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, गरीब पैदा हुआ हूँ, गरीब लोगों के बीच में रहता हूँ, ये मेरी सोच है। लेकिन जो मेरे बच्चे पैदा होंगे तो मैं वो नाम हटाना चाहता हूँ, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, लेकिन जब मेरे बच्चे कहीं पर जाए तो ये ना कहे कि मेरा बाप गरीब है। उस काम को साबित करने के लिए, उस बात को सिद्ध करने के लिए मैं जो है ये रास्ता चलता रहा। यहाँ तक कि बहुत सारे अपमान हुए, इस तरह से अपमान होते थे, कुछ पूछे नहीं, लेकिन जिसका अपमान नहीं, जितना बड़ा जिसका अपमान होगा, जितनी बड़ी समस्या होगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। कि हो गए हालात सब विपरीत क्या तुमको बताए, वक्त दे रहा था मात ये बात क्या तुमको बताए, कच्ची मिट्टी की तरह संबंध सब छितरा गए, पूछते थे सब हमारी
बात क्या उनको बताएं। आज कितने ज्वाइन हुए, कितने पैसे मिले, ये सब लोग पूछते थे, मजाक बनाते थे, और इतना अंदर से कष्ट होता था तो मैं बिल्कुल उसको बर्दाश्त कर जाता था। और मैंने अपने सपनों को तोड़ने का अधिकार दूसरे को नहीं दिया, क्योंकि मैं बोलता था मैं काम अपने सपने पूरे करने के लिए कर रहा हूं, आपके कहने से ये सपने मेरे कम नहीं होंगे। और दोस्तों लोगों को बता दो, मैं चिल्ला चिल्ला के बताता था कि 5 साल के बाद मेरे पास कार होगी, 5 साल के बाद मेरे मकान होगा, 5 साल के बाद मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, 5 साल में हमारा अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। जब ये चीजें बताएं पूरी हो नहीं पा रही थी तो लोगों ने मजाक बनाया, क्योंकि मैं मजाक इस तरह से बनते हैं, उनकी भी गलती नहीं थी, लोग मजाक भी बनाते थे, तो उनका भी कोई रोल इसलिए नहीं था कि उनको पता नहीं था, जैसे समाज में क्या कहते हैं, जैसी जगह लोग रहते हैं उसी तरह जो है उनका माहौल हो जाता है और उसी तरह जो है सब काम हो जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि एक समय क्या था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय तिवारा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, तो अमेरिका देश वैसे भी पावरफुल है, हमेशा सर्च किया करता था, तो जब सर्च किया करता था तो क्या हुआ कि अमेरिका ने एक बार नुमाइश बुलाई, केकड़ों की नुमाइश बुलाई, और पूरे दुनिया से 200-200 केकड़े मंगवाए, और एक केकड़े की कीमत 1 करोड़ रुपए रखी थी, और सारे देशों को केकड़ों के पेमेंट जो है एडवांस में दे दिए थे। जब सारे देशों के केकड़े गए पैक होके, कोई लिखा था मेड इन चाइना, मेड इन श्रीलंका, मेड इन थाईलैंड, मेड इन रसिया, मेड इन कजाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, तो ये सब पैक होके गए, क्योंकि 2 करोड़ का 1 करोड़ का एक केकड़ा था, 200 केकड़े थे तो कीमत भी काफी थी, और हमारे इंडिया के केकड़े गए थे, एक झवैया झवुआ होता है जिसमें गांव के हम लोग रहने वाले हैं, जिसमें ये जो जानवर होते हैं जिससे झवैया में झवुआ में चारा भर के डाला जाता है जानवर का, तो उस झवैया में केकड़े पहुंच के गए, उसमें स्लिप लगी थी मेड इन इंडिया। तो जब मेड इन इंडिया की स्लिप लगी थी तो वहां सबसे देखा जो वहां के राष्ट्रपति थे और कहा कि देखिए ये किस देश का केकड़ा है, इसको आप मंगाइए, और देखा यहाँ मेड इन इंडिया लिखा, उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने पीएस से कहा कि इंडिया फोन मिलाइए, और वहां के प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम है कि 1 करोड़ का एक केकड़ा है, और इंडिया से आते आते अमेरिका तक कितने केकड़े निकल गए होंगे ये शायद उनका अंदाजा नहीं है। तो जब वहां के पीएस ने यहाँ से बात की हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से, तो कहा वाजपेयी जी 1 करोड़ का एक केकड़ा है और आपने इंडिया से अमेरिका तक ऐसे भेज दिए, कितने केकड़े निकल गए होंगे, और एडवांस में हमने आपको पेमेंट भेज दिया था और आपने इसका भी ख्याल नहीं किया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या जवाब दिया, कहें कोई बात नहीं है, आप हमारे केकड़े गिनवा लीजिए, अगर 200 में से अगर एक भी केकड़ा कम हो तो हम पूरा पेमेंट आपको वापस कर देंगे। तो वहां से आवाजें इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हो, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा कि आप गिनवा लीजिए, अगर एक भी केकड़ा कम हो तो हम पूरा पेमेंट आपको वापस कर देंगे। अब क्या हुआ, सबसे पहले अमेरिका में इंडिया के केकड़े गिनवाए गए, तो जब गिनवाए गए तो पूरे निकले 200 के 200, फिर दोबारा गिनवाए गए, फिर निकले 200 के 200, फिर तिवारा गिनवाए गए तो निकले 200 के 200। अब अमेरिका से इंडिया में फोन नहीं आया, तब वाजपेयी जी ने फोन किया अमेरिका में और कहा हेलो माननीय राष्ट्रपति जी, क्या हाल है सर, आपने वो हमारे देश के केकड़े गिनवा दिए। तो वहां के महोदय राष्ट्रपति जी की आवाज बिल्कुल धीमी हो गई और बोले हाँ वाजपेयी जी, अरे वाजपेयी जी ये बताइए कि दो तो पूरे 200 के 200 हैं, लेकिन वो इंडिया से अमेरिका तक आ गए और एक भी केकड़ा नहीं निकला, ऐसा क्या है। तो मालूम वाजपेयी जी का, अरे माननीय राष्ट्रपति साहब ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं, कहने हिंदुस्तानी केकड़े हैं। तो वहां के राष्ट्रपति महोदय ने पूछा मतलब, कहने यहाँ जब कोई छोटा आदमी उठता है तो बगल वाला टांग फंसा लेता है, जब इधर से कोई उठने कोशिश करता है तो इधर वाला टांग फंसा लेता है,
जब आगे पीछे से कोई उठने कोशिश करता है तो सब आपस में टांग फंसा लेते हैं कि आप ऊपर निकल के ना जाओ, यहीं बने रहो, कहीं हमसे आगे ना निकल जाना। तो इस तरह से हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं ये सब आपस में एक तरह बने रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, सोच उनकी मिडिल क्लास है, अगर सोच बड़ी कर दे तो क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये हिंदुस्तानी केकड़े हैं, इसी तरह सबको मिलेंगे। जितने भी हमारे भाई टियांस काम कर रहे हैं तो इनको सब तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। और अगर इनसे आप डर गए तो आपको वही नीचे अपने पास बैठा ले रहेंगे और टाइम निकल जाएगा। इसलिए इन केकड़ों से सावधान रहना है। और इन केकड़ों से सावधान रहने के लिए हमारे जो गुरु और महागुरु एक्टिव अपलाइन है, इनके टच में रहना है, तो इन केकड़ों से बड़ी आप आसानी से निकल जाए। अब दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे तो होता, जब हम सावधान हो गए और इन केकड़ों से निकलने के बाद जब हम ऊपर टच में आए तो हमने काम करना चालू किया, और काम करना चालू किया तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। चलो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझको इंग्लिश तो आती नहीं, हिंदी में भी मैं फंसता हूँ, अगर कहीं गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे भाव समझिएगा और शब्दों पे ना जाइएगा। जब हमने काम करना चालू किया तो जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपके पास कार होना चाहिए, आप पढ़े लिखे होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आ गया कि काम तो पढ़े लिखे लोगों का है, बड़े लोगों का है, लेकिन मैंने एक किताब पढ़ी थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, क्योंकि हमारी जो अपलाइन है एके पांडे साहब ने और अर्जुन सिंह जी ने, उन्होंने कहा था गंगा राम जी आप बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़िए। उन्होंने तीन किताबें हमको रिकमेंड की थी, कहा अगर तीन किताबें अगर आप पढ़ लेंगे तो तीन किताबों से आप ब्रोंज लाइन चले जाएंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सबसे पहले हमको किताब रिकमेंड की थी बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसको मैंने पढ़ा। इसके बाद रिच डैड पुअर डैड, उसको मैंने पढ़ा। इसके बाद सवाल ही जवाब है, जो व्यक्ति इन तीन किताबों को पढ़ लेगा, जो व्यक्ति इन तीन किताबों को पढ़ लेगा और इन किताबों की लिखी हुई बात का अनुसरण कर लेगा, तो एक साल के अंदर वो व्यक्ति पक्का ब्रोंज लाइन पहुंच जाएगा। और मैंने तीनों किताबें पढ़ी, और तीन किताबों के पढ़ने के बाद ठीक जो है 6 महीने तो मेरे ऐसे निकल गए थे, ठीक 11 महीने बाद मैं इन अपने गुरु और महागुरु की कृपा से ब्रोंज लाइन हो गया, क्योंकि उन्होंने इतने कमिटमेंट से बताया था कि जो व्यक्ति ये तीन किताबें पढ़ लेगा और तीन किताबों का अनुसरण कर लेगा, एक साल के अंदर पक्का ब्रोंज लाइन पहुंच जाएगा। और मैंने अपनी एक्टिव अपलाइन का कहना माना और 11 महीने में ब्रोंज लाइन पहुंच गया। फिर जब मैं दोबारा मिला, मैंने कहा सर मैं तो ब्रोंज लाइन हो गया हूँ, तूने दो किताबें और बताई। उन्होंने कहा अगर दो किताबें आप पढ़ लोगे तो आप एक साल के अंदर गोल्ड लाइन बन जाओगे। जब से मैंने किताबों का प्रमोशन करना चालू किया तो हमारे जितने बिजनेस पार्टनर है वो ज्यादा मानते नहीं है। लोग कहते हैं किताबों पढ़ने से क्या फायदा, बिजनेस हम सेल नहीं करेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा, किताबें पढ़ने से बिजनेस नहीं हो जाएगा, किताबें पढ़ने से क्या होगा। लेकिन ये लोग गलत फहमी में है, क्योंकि किताबों में सब कुछ है। जब हमारी सोच बदलेगी तभी जीने का ढंग बदलेगा, और जब हमारी सोच नहीं बदलेगी तो हम जीने का ढंग नहीं बदल पाएंगे, और सारी चीजें किताबों में है। तो हमारे एके पांडे सर और अर्जुन सर ने दो किताबें हमको रिकमेंड की, द सीक्रेट और अग्नि की उड़ान, क्योंकि द सीक्रेट किताब इतनी गजब की है और अग्नि की उड़ान, अगर मैं एक किताब पढ़ चुका दूसरी किताब पढ़ रहा हूँ अग्नि की उड़ान, और मुझको पक्का पता है जिस दिन मैं दोनों किताबें पढ़ लूंगा और एक साल के अंदर मैं गोल्ड लाइन पक्का हो जाऊंगा, क्योंकि मुझको अपने सपनों पर भरोसा है। मैं अपने सपनों को तोड़ने का अधिकार दूसरे को नहीं देता, न घर वालों को देता हूँ, न रिश्तेदारों को देता हूँ, न पड़ोसियों को देता हूँ, और कितना भी बड़ा आदमी हो उसको भी नहीं देता हूँ, कि वो बड़ा है उसको क्या पता कि मेरे सपने क्या है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप, कई लोगों ने मना किया था कि बहुत टार्चर किया, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप तमंचा लगा के तो रोक सकते हैं कि आप न जाओ तो मजबूरी में रुक सकता है, लेकिन किसी की भावनाओं को कोई रोक नहीं सकता है। और भावनाएं आपकी जभी, विचार आपके जभी तेज होंगे जब आप इन किताबों को अपलाइन द्वारा बताई गई किताबों को पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस काम को करने के लिए, इस काम को करने के लिए आप किस जात के, किस धर्म के, किस समुदाय के, छोटे हैं बड़े हैं, अमीर है गरीब है, आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, काले हैं कि गोरे हैं, कि मोटे हैं कि दुबले हैं कि पतले हैं, ये कोई माने नहीं रखता है। अगर आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो सारी चीजें हासिल
कर सकते हैं, क्योंकि आदमी का विचार दिमाग, आदमी का जो दिमाग है विचारों की फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में दो सुपरवाइजर है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, और दोनों बड़े आज्ञाकारी हैं। जब भी हम कोई काम करने की सोचते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले निगेटिव सुपरवाइजर इतने प्रोडक्शन तैयार कर देता है कि सकारात्मक को नौकरी से निकाल देते हैं और जो है सही चीज को हम भटक जाते हैं, और इसीलिए जो है सकारात्मक सुपरवाइजर काम करना बंद करते, कोई काम करना चालू करते हैं, अगर ऐसा किया ऐसा ना हुआ तो, ऐसा ना किया ऐसा ना हुआ तो, इन्होंने काम ऐसा कर ले हम फंस गए तो, जो तो किंतु परंतु लेकिन, क्योंकि हमारे जो एक्टिव अपलाइन है श्री ए के पांडे सर और अर्जुन सर जी ने, इन्होंने तीन चीजें सिखाई हैं कि बेटा जिस दिन किंतु परंतु लेकिन अपने शब्द को से हटा दोगे तो आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर बन जाओगे, लेकिन ये तीन चीजें हटती नहीं है, लेकिन हम लोग हटाने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु परंतु लेकिन साफ साफ उन्होंने कहा है कि किंतु परंतु लेकिन असफलता की बीमारी। और बिल्कुल सीधा सीधा सवाल एक चीज और बताई हमारे अप्लाई ने कि जिसको एक घंटे का प्लान दिखाओगे आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा, जिसको दो घंटे का प्लान दिखाओगे आपके पास रिजल्ट नहीं आएगा। इसको कॉन्सेप्ट हमने बताना सीख लिया और जो है धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ने लगे, क्योंकि इस काम में कुछ है ही नहीं, इस काम की जरूरत है ना तो पढ़े लिखे होने की जरूरत है, ना तो काबिल होने की जरूरत है, ना तो साधन और संसाधन होने की जरूरत है, ना तो गाड़ी बंगला मकान फोन लैपटॉप कार और कोट पैंट कुछ होने की जरूरत नहीं। अगर आप अंगूठा छाप हैं और आप राजा बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आप बन सकते हैं। हमें करना क्या है, जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं, देखो डॉक्टर बनने के लिए हमको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए हमको इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ती है, टीचर बनने के लिए हमको टीचर की पढ़ाई करनी है। तो जितने भी डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस जितने भी लोग बनते हैं ये सब बाय चॉइस बनते हैं, इनकी चॉइस होती है। डॉक्टर बनना है तो बायो पढ़ना है, इंजीनियर बनना है तो मैथ पढ़ना है, टीचर बनना है तो, ये सब के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जो कुछ बनना चाहते हैं तो बाय चॉइस बनते हैं। लेकिन राजा बनने के लिए अमीर बनने के लिए किसी योग्यता और डिग्री की जरूरत नहीं होती है, अमीर बनने के लिए सोच की जरूरत होती है, सपने देखने की जरूरत होती है, और राजा हमेशा व्यक्ति बाई चांस बनता है। तो जितने लोगों को भी ये टियांस बिजनेस मिला है, ये दोस्तों सबको बाई चांस मिला है, बाई चॉइस कोई नहीं आया है, क्योंकि किसी ने नहीं ऐसी पढ़ाई की है कि हम जो है ये पढ़ाई करके टियांस का बिजनेस करेंगे, और बाय चांस लोग ही राजा बनते हैं। अब लोगों की मजबूरी क्या है, लोग आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, पीसीएस क्यों बनना चाहते हैं, सांसद विधायक क्यों बनना चाहते हैं, टीचर इंजीनियर साइंटिस्ट क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इन लोगों की जिंदगी देखी है, जिंदगी देखी है, किसी ने किसी को देख के ये मोटिवेट हुए हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, इसलिए लोग बनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ के किसी ने गोल्ड लाइन की जिंदगी देखी, यहाँ के किसी के स्टार गोल्ड लाइन की जिंदगी देखी है, यहाँ के किसी डायरेक्टर की जिंदगी देखी है, यहाँ के किसी एचडी की जिंदगी देखी है। जिस दिन यहाँ के लोग डायरेक्टर स्टार गोल्ड लाइन और क्या कहते हैं एचडी और गोल्ड लाइन की लोग जिंदगियां देख लेंगे तो लोग यही काम करेंगे। हर व्यक्ति जो है डायरेक्टर एचडी और गोल्ड लाइन स्टार गोल्ड लाइन बनना चाहेगा। तो हमको लोगों के यहाँ के लोगों की जिंदगी दिखाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको दोस्तों बताऊं कि इस बिजनेस में कोई काम करने की जरूरत नहीं है उस तरह का जो हम लोड लेते हैं, ना कोई डिग्री लेने की जरूरत है। हमको सीधी सी बात है, जितने भी जिंदगी जब से हम पैदा हुए तब से वही काम करते चले आ रहे हैं, और इसमें कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है, वही हमको काम करना है। जब से हम पैदा हुए हम लोगों से, हमारे सर ने कहा, हम जब लोगों से पूछते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो नहाते नहीं है, जो लोग नौकरी व्यापार करते हैं तो क्या बगैर नहाए जाते हैं क्या, कितने लोग हैं जो सुबह भंजन नहीं करते हैं, कितने लोग हैं जो बालों में तेल नहीं लगाते हैं, कितने लोग हैं जो कपड़ा नहीं धुलते हैं, कितने लोग हैं जो हाथ नहीं धुलते हैं। सारे लोग ये काम करते हैं और ड्यूटी जाने के पहले काम करते हैं, इसके लिए कोई अलग से काम नहीं करते हैं। मंजन करने के लिए हमको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, नहाने के लिए हमको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, और बालों में तेल लगाने के लिए हमको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, हाथ धोने के लिए हमको एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं है, और कपड़े धुलने के लिए हमको कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं। तो यही काम करना है आ रहे थे, आज तक साबुन मंजन तेल जितनी भी चीजें हम ला रहे थे
आज तक उस दुकानदार ने हमको कुछ नहीं दिया है, हमको केवल अपनी दुकान बदल लेनी है और उस दुकान को बदल लेने के बाद हमारी दुकान में जो चीजें मिलती हैं वो अपनी दुकान की चीजें हमको प्रयोग करने लगना है, और जब हमको अच्छी लगे तो वही लोगों को चर्चा कर देना। हम कोई भी चीज लाते हैं घर में तो हर आदमी से चर्चा करते हैं और चर्चा करते हैं और हमारी चर्चा से लोग जाकर उसकी दुकान से सामान लाते हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन हम दुकान बदल के अगर हमें घर गृहस्थी की चीजें जो 1,000-1,500-2,000 रुपए की चीजें जो हमारे दैनिक जीवन की चीजें होती हैं, यूज होती हैं, वो दुकान से यूज करने लगे और अच्छी लगे तो लोगों से चर्चा करने लगे, और जब हम लोगों से चर्चा करने लगेंगे तो हमारा पर्चा बन जाएगा और उस पर्चा से हमारा खर्चा चल जाएगा। सीधी सी बात है, सामान अच्छी लगे, चर्चा करो, चर्चा करने से पर्चा बन जाएगा, पर्चा बनने से आपका खर्चा चल जाएगा। सीधी से बताइए, इसमें कौन सी डिग्री लेने की जरूरत है? तो ज्यादा लोगों को परेशान होने की जरूरत, तभी हम कहते हैं कब पढ़ा लिखा आदमी और बगैर पढ़ा लिखा हुआ आदमी इस काम को कर सकता है। इसलिए दोस्तों 5 मिनट का प्लान है और ये सब लोगों को जो बता दीजिए तो हम कहां से कहां हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब लोग बताते हैं हम बिजी है, कोई जो ज्यादा बिजी है उसी के लिए काम सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इजी है। जितना बिजी व्यक्ति है उसी के लिए काम ज्यादा इजी है। क्यों व्यक्ति बिजी कहाँ है? लोगों के बीच में। हमारा काम किसका है? लोगों का। तो हमको लोगों चर्चा तो करनी है। हमारा रजिस्ट्रेशन कराइए, 15-20% की छूट मिल जाती है। रजिस्ट्रेशन करके चर्चा कर दीजिए, 8-10% आपको, 10-20% आपको चर्चा का पैसा मिलता है। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं, व्यावसायिक चर्चा कर दीजिए, 8-12% हमको व्यावसायिक चर्चा का पैसा मिलता है। और जब तीनों चर्चाएं करने लगे तो 8% हमको जो है क्या कहते हैं और पैसा मिलता है। इसमें गाड़ी बंगला मकान विदेश की यात्रा है, तो चर्चा तो करना है, इतना सीधा सा काम है। इसमें कौन सी डिग्री लेने की जरूरत है? पता नहीं इस बिजनेस को लोग कितना जो है प्रेशर लेते हैं। प्रेशर लेने कोई जरूरत नहीं, जब प्रेशर वाला काम ही नहीं है तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। लेकिन लोगों को मजबूरी है, उनकी बात इसलिए जायज है कि रात दिन मेहनत करते हैं तब 10-15-20 हजार की नौकरी मिलती है। ग्रेजुएशन करने के बाद और बीटेक और बीएड और एमबीबीएस करने के बाद 25-30 साल जब पढ़ाई करते हैं तो 1-1.5 लाख की नौकरी मिलती है। और यह बात होती है सपनों की तो कैसे समझ में आ जाएगी। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों काम करना बंद कर देते हैं। अगर हम 50 लाख लेकिन 40,000 रुपए लगा के 4 लाख रुपए महीने की बात कमाए, 4 लाख रुपए महीने कमाने की बात बताए तो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए कहते हैं सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति यहाँ सफल हो जाएगा और नया काम कोई यहाँ करने की जरूरत नहीं है। और पुराने काम को करते करते हैं हम, अगर हम अपनी इस दुकान से बदल के इस दुकान का सामान यूज करते हैं तो हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, अच्छे मकान के मालिक हो सकते हैं, अच्छी गाड़ी के मालिक हो सकते हैं, शरीर से फिट हो सकते हैं, समय से आजाद हो सकते हैं, और क्या कहते हैं आर्थिक आजाद हो सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, देश विदेश अपने परिवार को घुमा सकते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं और चैरिटी भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें केवल दुकान बदल लेने से सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस काम को करने की कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मैं क्या कहता हूँ कि मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक समय की कहानी है कि जैसे हम लोग सब कहीं मंदिर और मस्जिद सब जगह जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं और फूल लेके मूर्ति पे फूल माला चढ़ाते हैं, तो एक समय क्या हुआ कि एक मंदिर में जो जमीन में पत्थर लगा था और मूर्ति वाले पत्थर जो लगा था तो दोनों आपस में बात कर रहे थे। दोनों आपस में बात क्या कर रहे थे कि भाई एक चीज ये बताइए, जब मंदिर बंद हो गया तो आपस में दोनों बात कर रहे थे कि भाई एक चीज बताइए कि तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, और जिस खदान से तू निकला उस खदान से मैं भी निकला हूं, जो दुकानदार आपको लाया था वही दुकानदार मुझको भी लाया है, जिस दुकानदार ने आपको बेचा वही दुकानदार ने मुझको बेचा, और जिस चित्रकार ने आपको यहाँ लगाया वही चित्रकार, रोज सुबह होते हुए हजारों लोग पैर रख के मेरी छाती पर आते हैं और आपके ऊपर फूल माला चढ़ाते हैं। ये जमीन वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से, मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारे यहाँ हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हमारी आईडी जो है टियांस में जो आईडी है
आईडी जो मिलती है बगैर पैसे की मिलती है। इसी बगैर पैसे से लोग स्टार गोल्ड लाइन एचडी और डायरेक्टर बन रहे हैं और उसी आईडी से 90% लोग फेल हैं। क्यों? हमारी अपलाइन ने एक सूत्र बताया सफलता का, मैं आपको अभी बताऊंगा। 100% जो सूत्र का पालन करेगा कोई व्यक्ति जिंदगी में फेल नहीं हो सकता है। उस सूत्र में अभी बताऊंगा, पत्थर इस पर कहानी की बात बता दूं फिर इसमें आपको बता। तो जमीन वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से पूछा, तो मूर्ति वाले पत्थर ने जवाब दिया कि बात सही, जहां से तू आया वहां से मैं आया, जिस दुकानदार ने तुमको बेचा उस दुकानदार ने मुझको बेचा, जिस चित्रकार ने तुझको यहाँ लगाया उस चित्रकार ने मुझको भी यहाँ लगाया। लेकिन दोस्त, जब वो चित्रकार आपके ऊपर छेनी हथौड़ी चला रहा था तो तू चिल्ला रहा था, तू दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मेरा मतलब जब अपलाइन किसी व्यक्ति को बताता है, कोई चीज बताता है, तो लोग उसको बोझ समझते हैं, सोचते हमको टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो टॉर्चर और परेशान अपलाइन नहीं करता है, अपलाइन उस पत्थर को मूर्ति का रूप देने की कोशिश करता है। तो कह लो जब चित्रकार आपको मूर्ति का रूप दे रहा था, तू चिल्ला रहा था और हमेशा अपलाइन को दोषी बता रहा था, अपलाइन ऐसा ऐसा है, वो कहते हैं किताब पढ़ो, कह रहे हैं टीवी करो, कह रहे हैं मीटिंग में जाओ, कह सेमिनार आओ, कह रहे हैं कि ये करो, वीडियो सुनो, ये सुनो, तो तुझको लगा कि मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। तो जब तू नहीं माना तो तुझको वहीं पर छोड़ दिया, तो तुझको वहीं पर लगा दिया। और वही चित्रकार जब मेरे ऊपर छीनी हथौड़ी चला रहा था तो मैंने उसको बर्दाश्त किया। कितने दिन बर्दाश्त किया? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग हम लोग मिडिल क्लास के जितने भी लोग काम करते हैं, टेम्परेरी सोल्यूशन परमानेंट प्रॉब्लम, जितने भी हम लोग काम करते हैं टेम्परेरी सोल्यूशन परमानेंट प्रॉब्लम, लेकिन ये जो हमारा काम है टेम्परेरी प्रॉब्लम परमानेंट सोल्यूशन। अगर एक बार आपने समस्याओं को कुचल दिया, टेम्परेरी प्रॉब्लम को हटा दिया, तो परमानेंट समस्या का सोल्यूशन आपको निकल जाएगा। तो मूर्ति वाले पत्थर ने जवाब दिया कि जब चित्रकार मेरे ऊपर छीनी हथौड़ी चला रहा था तो मैं भी चिल्ला रहा था, मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। कितनी देर बर्दाश्त किया? जब तक मुझको मूर्ति का रूप या मूर्ति का आकार नहीं मिल गया। और जिस जैसे मुझको मूर्ति का रूप मूर्ति का आकार मिला, मुझको लाके यहाँ स्थापित कर दिया गया। अब दोस्त जिंदगी भर तेरी छाती पर पैर रख के लोग आएंगे और ए मेरे ऊपर जिंदगी भर फूल माला चढ़ाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि अगर आपने अपलाइन की बातें एक्टिव अपलाइन की, मैं एक्टिव अपलाइन की बात कर रहा हूं जिसमें सफल हो रहे हैं, तो एक्टिव अपलाइन की बात है, अगर आपने 2 साल से 5 साल के बीच में मान लिया तो आप किसी राजा से आपकी जिंदगी कम नहीं होगी और न जाने और आपकी पहचान पूरे वर्ल्ड लेवल की होगी। केवल 2 से 5 साल तक अगर आपने अपनी एक्टिव अपलाइन की बात मान ली, तो इसलिए जो है एक्टिव अपलाइन की बात, क्योंकि बगैर, क्योंकि आजकल क्या है कि हम लोग अपलाइन को क्या करते हैं, गली गली में ठेला में, जैसे मूंगफली का ठेला नहीं, मूंगफली की तरह अपलाइन को बेचते हैं। अपलाइन हमारा प्लान दिखा दे, अपलाइन हमारा प्रॉस्पेक्ट कर दे, अपलाइन हमारी सेल निकाल दे, अपलाइन हमारा फॉलो अप कर दे, अपलाइन हमारा गोल करा दे, अपलाइन हमारा टूर करा दे, तो सब कुछ अपलाइन कर देगा तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो सब कुछ अपलाइन कर दे, और जब अपलाइन नहीं करता तो लोग कहते हैं अपलाइन खराब। तो अपलाइन से प्लानिंग कराइए, जैसे मकान बनता है तो अपलाइन से केवल मकान की ड्राइंग, मकान का नक्शा बनवाइए और बाकी काम आप करिए। अब आप सारे काम अपलाइन से कराओगे तो नक्शा कब बना पाएगा आपकी जिंदगी का? अपलाइन से ये पूछिए कि मुझको गोल्ड लाइन कैसे जाना है, मुझको डायरेक्टर कैसे जाना है। अपलाइन को मूंगफली की तरह न बेचिए, अपलाइन का प्रेजेंट, अपलाइन के नाम से काम लीजिए। और जो लोग नाम से काम लेते हैं वो जल्दी सफल हो जाते हैं, और जो अपलाइन को लिए लिए घूमा करते हैं उनका सफल होते हैं, लेकिन उनका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ता है। और मेरी बात अगर बुरी लग रही हो तो भैया माफ कर, ठीक है ना, क्योंकि मैं इतना जानना चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है जो देश के प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते हो, बन सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी अपलाइन ने सफलता का सूत्र क्या बताया है। बस एक मैं कहता हूं कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस तरह चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, और चढ़ती है दीवारों पर, सौ बार फिसलती है लेकिन मन का विश्वास रगों को साहस भरता है, और गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं उसे अखरता है। क्यों नहीं करता है? आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, लेकिन फिर भी खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज मोती है गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह उसी हैरानी है। आखिर मुट्ठी खाली उसकी किसकी? ध्यानस का प्लान दिखाने वाले की। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमारे गुरु जी ने, जो हमारे गुरु अर्जुन सिंह जी और महागुरु ए के पांडे जी हैं, उन्होंने एक चीज और सिखाई है। असफलता एक चुनौती है, तुम इसे अभी स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है तुम में, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो जाओ, नींद चैन का त्याग करो, और संघर्षों का मैदान छोड़कर कभी न पीछे भागो। क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चीज और सिखाई है, इस कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना होगा। ऊपर वाले ने दिए सबको लकीरें, लेकिन रंग तुम्हें भरना होगा। ये और सीखा। अब मैं जिसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मैं खुद ही सीखता हूँ। जो मैंने सीखा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को सिखा नहीं सकता, क्योंकि सारे लोग बिजनेस पार्टनर हैं। हम सबका धन्यवाद देते हैं जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, जितनी येलोएस्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, सबको हम धन्यवाद देते हैं। ये सुन भी रहे होंगे और कह भी रहे होंगे, देखो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन मुझको सब हमारे जो टीएनसी में जितने भी लीडर हैं, जिनको मैंने सुना है और देखा है, सबसे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हर व्यक्ति को देख के हम कोई ना कोई ड्रीम लेते हैं। हमारे अर्जुन सिंह जी का क्या कहना है, बिल्कुल जहां जाते हैं, जहां मीटिंग लेते हैं, बिल्कुल आग लगा देते हैं। और क्योंकि अर्जुन सिंह जी ही जो है पांडे जी से सीखा है, और पांडे जी का क्या कहना है, हम क्या पूरी दुनिया उनको सुनती है, तो इसलिए जो है हम जो है अर्जुन सिंह और पांडे जी का धन्यवाद देंगे और क्या कहेंगे। और सबसे अच्छा जो है, हम सबसे ज्यादा दो लोगों से और मोटिवेट होते हैं, जो हमारे गुरु जी हैं, हमको सब मानते हैं, हमारे पाल बसनायक साहब हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, और जो हमारे मनोज जावा जी हैं जो डायरेक्टर हैं, और पाल बसनायक जी, मनोज जावा जी, और जो हमारे जो स्टार गोल्ड लाइन है, जो हमारे साथ रसिया गए थे, उस दिन की मीटिंग थी, श्रीनगर के रहने वाले हैं, और इन लोगों के अंदर इतनी आग है कि अगर ये जो मैंने लीडरों के नाम बहुत अच्छे थे, मैं ज्यादा लोगों से मिला भी नहीं, जितने लोगों से मिला है, ये वो पारस बटिया है, जैसे लोहा को छूते ही जो व्यक्ति इनके टच में आ जाएगा, इनके पास में आ जाएगा, जैसे हाई टेंशन लाइन नहीं होती है, तो क्या कहते हैं, 1-2-3 मीटर अगर दूर भी चले जाओ तो एकदम घसीट लेती है। जैसे हमारे अर्जुन सिंह जी है, हमारे पांडे सर है, पाल बसनायक साहब है, मनोज जावा जी है, और शेख अबू जैद साहब है, और जो है कादरी साहब है, इनसे मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ, और मैं सोचता हूँ इनके जैसे बन जाऊं,
और जो हमारे विकास गोयल साहब है, जब मैं इनके साथ थाईलैंड गया था तो हमको पता नहीं था कि हमारे अपलाइन है और विकास गोयल भी है और इतने बड़े आदमी है। तो इसलिए जो मैं जिसको जिसको देखता हूँ, इतने लोगों से मिला हूँ, तो हमें लगता है अगर इन लोगों की जिंदगी आदमी देख ले तो आईएएस आईपीएस बनना बिल्कुल बंद हो जाएगा, सारे लोग यही चीजें बनने लगेंगे। और वही हम कोशिश करते हैं कि सब लोगों को इन्हीं की जिंदगियों को हम दिखाएं। एक चीज हम और बता दें, इसके बताने के पहले वो 5 मिनट का मेरा टॉपिक बचा है, मैं इतना सिखा नहीं रहा हूँ आपको, बताऊंगा जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है कि दोस्तों कि बगैर गुरु के कुछ हो नहीं सकता। आप किस मामले में कितना परफेक्ट हो ये आप जो है दिमाग से निकाल लीजिए, और इतने दिन करके आप कहाँ पहुंचे हो। अगर नहीं मानते हो गुरु की बात तो आप 2-4 साल और देख लो कहाँ पहुंच जाओगे। अगर नहीं पहुंचना है तो अपने दिमाग का स्विच ऑफ कर लो केवल 2 साल तक, और जहां लोग पहुंचे वहां तक आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या कहता हूँ कि बिन हरि कृपा न गुरु मिले, और गुरु बिन हो ये न ज्ञान, और ज्ञान बिना संसार में हो ये नहीं कल्याण। कि बगैर ऊपर वाले की कृपा के गुरु नहीं मिलता है, और अगर ऊपर वाले की कृपा है तो गुरु मिला है, और अगर गुरु मिला है तो आप उससे ज्ञान ले लीजिए, हमारे बातों से मत जाए गुरु का ज्ञान ले लीजिए, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान के संसार में कल्याण नहीं होता है। मैं जब भी अपने गुरुओं के साथ में जाता हूँ, जब भी हम अपने गुरु से बात करते हैं, महागुरु से, पांडे सर से, जब भी कोई बात बताते हैं तो कहते हैं पहले अर्जुन सर से सीख लो, पहले अर्जुन जी से सीख लो, अर्जुन जी से सीख लो, और जब अर्जुन सर से बात कहते हैं तो कहते हैं पांडे जी से सीख लो। कितनी गजब की केमिस्ट्री है दोनों लीडरों में, और वही देख के उसी केमिस्ट्री से मैं मोटिवेट हो जाता हूँ कि अरे दो दो लोग साथ में, और बाकी हम डायरेक्टर साहब को, पाल वसनायक साहब को, अबू जैद शेख साहब को और कादरी साहब को सुनते हैं, तो इनको मैं हमेशा सुनता हूँ। इनकी जहाँ मीटिंगें होती हैं मैं तुरंत लाइन अप होता हूँ, और इनको सुन के, और जितने लोग हुए इनको सुन के, तो मेरी आग बिल्कुल लग जाती है, मैं लगता है बिल्कुल इनके जैसे कितने जल्दी बन जाऊं। लेकिन मुझको पता है इनके जैसे जल्दी बनने के लिए हमें बहुत परीक्षा देनी पड़ेगी, बहुत त्याग करना, बहुत किताबें पढ़नी पड़े, क्योंकि हमसे ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, अगर हम इनसे ज्यादा किताब पढ़ने लगे तो उनके जैसे बन जाएंगे, लेकिन उनसे ज्यादा किताबें पढ़ नहीं पाते, उनसे ज्यादा मीटिंग कर नहीं पाते, और उनसे ज्यादा वीडियो सुन नहीं पाते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा किताबें पढ़ने की कोशिश करें। अब हमारे गुरु जी ने बताया, उनने 10 स्टेप बताए थे सफलता के, अगर आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो, लेकिन 100% स्वयं की गारंटी है कि अगर इन चीजों को आपने लिखिए नहीं, आप सुन लीजिए, 100% अगर इन 10 सिद्धांतों को पालन करोगे तो इस धरती में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आपके सपनों को तोड़े और आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो है मना करे, आपके सपने ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। तो ये 10 सिद्धांत है जो हमारे सफलता के सिद्धांत है जो हमारे गुरु जी बताए। नंबर 1, अगर हमारे सपने हैं, ड्रीम है, तब हम इस काम को कर सकते हैं, जो व्यक्ति सपने, क्योंकि आजकल जितने भी काम है जरूरत पूरी करने के लिए है और जरूरतें पूरी करने के लिए करते हैं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए हमको सपने देखना पड़ेगा और अपनी डायरी में कम से कम हमको 50 सपने लिखने पड़ेंगे, क्योंकि जितने लोग इसमें फेल हैं और पास हैं तो आपको खुद ही पता चल जाए, जैसे हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं और हमको सब्जेक्ट नहीं पता है तो कितनी गारंटी है कि हम लोग पास हो जाए, और 5 सब्जेक्ट में आप पास हो गए, 100-100 नंबर आ गए, और 6ठे में 0 हो गए, पेपर ही नहीं दिया, तो कितने लोग पास हो जाएंगे, पक्का नहीं पास होंगे। पासिंग मार्किंग हर सब्जेक्ट में लाना जरूरी होता है। तो पहला नंबर 1 है ड्रीम, सपने। अगर हमारे पास सपने हैं तो नंबर 1 हम उस पर लक्ष्य निर्धारित करें, और जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं प्लान के साथ में तो हम संकल्प लें, और जब संकल्प लेने के बाद दृढ़ संकल्प करें, और जब दृढ़ संकल्प लेते हैं तब काम होता है, और काम होता है तो 100% हमको सफलता मिलती है। नंबर 2, हमको लिस्ट बनाना है। लिस्ट हमको बनाना है, और कभी नहीं सोचना है, हमको ज्योतिषी नहीं बनना है कि काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक चीज बता दूं, ये काम ड्रीमरों का है, ना अमीरों का है, ना गरीबों का है, और हर गरीब व्यक्ति ड्रीमर हो सकता है, क्योंकि जितने भी लोग इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने लोगों के इतिहास में नाम है, 99% गरीब लोगों के ही इतिहास में नाम है, और इतिहास रचता वही है गरीब आदमी, और अपवाद के रूप में बड़े लोग जो पुश्तैनी राजा महाराजा हुए वो 1% है, लेकिन इस समय जो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है वो 99% गरीब आदमी ही इतिहास में नाम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारी जिंदगी में 4 तरह के लोग होते हैं, उनकी कैटेगरी होती है।
एक हो गए घर परिवार के लोग, दूसरे हो गए नाते रिश्तेदार, तीसरे हो गए स्टाफ के लोग जहाँ नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, स्टूडेंट है जहाँ पढ़ने जाते हैं या किसी चीज की तैयारी करते हैं, और चौथे अन्य लोग। तो चार कैटेगरी के लोग हमारी दुनिया में, और हम लोग इस बिजनेस में आने के बाद नाते रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, मोहल्ले वालों को, पड़ोसियों को और स्टाफ के लोगों से बात करते हैं, तो ये लोग बिजनेस में आते नहीं है, वहीं से हम बिजनेस को छोड़ देते हैं। लेकिन ये गलत फहमी, हम बिजनेस इनसे तो हमको चलना है नहीं, बिजनेस तो हमारा चलना है अन्य लोगों से, तो इनके ऊपर हमको प्रैक्टिस करनी होती है, सीखना होता है, और हम 90% लोग बिजनेस यहीं छोड़ लेते हैं। जैसे हम चाहते हैं अगर आपका बेटा डॉक्टर बन गया है और 4.5 साल का MBBS करने के बाद आया है, तो आपको पेट का ऑपरेशन होना है पथरी का, तो क्या आप अपने बच्चे से ऑपरेशन कराएंगे? ज्यादातर लोग नहीं कराएंगे, और वो बेटा भी नहीं करेगा क्योंकि डॉक्टरी पढ़ कर केवल आया है, वो भी रिस्क लेगा, घर वाले भी नहीं कराएंगे। क्योंकि इसलिए नहीं कराएंगे कि पता नहीं कर वो कर पाए ना कर पाए। जब आपका सगा बेटा है, आपने 1 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगाया, तो आपको अपने बेटे से ऑपरेशन कराना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कराते हैं। जो ऑपरेशन करता है स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उससे ऑपरेशन करवाते हैं और अपने बच्चे से नहीं कराते हैं। और तो बच्चे से क्यों नहीं कराते हैं? तजुर्बा नहीं है। और यहाँ हम लोग किनकी बात मान जाते हैं? जिनको 10-20 हजार कमाने में दम निकली जा रही है, उसने कह दिया काम बेकार है, उसकी बात मान जाते हैं और इस काम को छोड़ देते हैं। अरे वो उसकी खुद दम निकली जा रही है, वो उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है, उसको बिजनेस का ज्ञान नहीं है, और आप उसकी बात मान के अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं, तो आपके सपने वही अधूरे रह जाते हैं। तो इनके ऊपर प्रैक्टिस करो, जैसे डॉक्टर बनने के बाद डायरेक्ट उसकी पोस्टिंग किसी समुदाय के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं होती है, ना सरकारी अस्पताल में होती है। डॉक्टर बनने के बाद 1 साल तक उसकी जो सर्जिकल डॉक्टर बनता है, उसकी पोस्टमार्टम हाउस में होती है। तो 1 साल तक वो पहले मुर्दा आदमियों का ऑपरेशन करता है, इसके बाद जिंदा आदमियों का ऑपरेशन करता है। तो मेरा मतलब ये है, मेरा आप लोग पूरा ना मानिए, मेरा मतलब है कि जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, इनके ऊपर हमको प्रैक्टिस कर लेनी है, और दुकान तो उन लोगों से चलेगी जिनको आप जानते नहीं है। जब विशेषज्ञ बन जाएंगे तो हर आदमी आपसे इलाज कराना चाहेगा, आपके साथ काम करना चाहेगा, और हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में 1 से 1 हर चीज के विशेषज्ञ हैं, प्रोडक्ट के विशेषज्ञ हैं, प्रोफाइल के विशेषज्ञ हैं, और मोटिवेशन करने के विशेषज्ञ हैं, देश विदेश जाने के विशेषज्ञ हैं, सफल होने के लिए विशेषज्ञ हैं, सफलता दिलाने के लिए विशेषज्ञ हैं। जब इनके संगत में आ जाएंगे तो हम अपने आप सफल हो जाएंगे। जब हम दूसरी लिस्ट हो गई, तीसरे नंबर की बात है कि हमको इनसे समय लेना सीखना है, हमारी अपलाइन बताएगा। चौथा काम है प्लान दिखाना है। पांचवा काम है इनका फॉलोअप करना है। छठा काम है हमको 100% यूजर होना है। सातवां काम है हमको 10 रिटेल क्लाइंट बनाना है। अलग से बताने की जरूरत है, जब इनको प्रैक्टिस करेंगे, प्लान दिखाएंगे, तो उसी समय हमारे रिटेल क्लाइंट बन जाते हैं। और आठवां काम है कि हमको संगत में रहना है, किसकी? एक्टिव अपलाइन की, किताबों की और वीडियो की। अगर इनकी संगत में रहेंगे, क्योंकि सफल लोगों की संगत में रहेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। और हमको एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करनी है प्रत्येक सप्ताह। अगर कनेक्टिविटी अपनी एक्टिव अपलाइन से, ग्रोइंग अपलाइन से बनाते रहेंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे। और प्रतिदिन आपको इस कॉन्सेप्ट की जानकारी 3 लोगों को देनी है। जिस दिन आप लोगों ने 3 लोगों को प्रतिदिन इस कॉन्सेप्ट की जानकारी देने लगेंगे, और एक सूत्र हमारे गुरु जी ने और बताया था कि जिस दिन आप अपने तजुर्बे से 1,000 लोगों को प्लान दिखा दोगे सीरियसली, तो आप ब्रॉन्ज लाइन होगा। जो व्यक्ति किताबों को अपलाइन की गाइड लाइन लेते हुए और वीडियो सुनते हुए अगर 1,000 लोगों को प्लान दिखा देगा, तो व्यक्ति ब्रॉन्ज लाइन पक्का 1 साल के अंदर हो जाएगा। और जो आखिरी स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नो क्रॉस लाइन का मतलब है आप चाहे आज ज्वाइन हो, चाहे आपका लेवल कुछ भी ना हो, लेकिन आपको कभी क्रॉस लाइन नहीं करनी है। जिस व्यक्ति को ये सूत्र याद हो गया, व्यक्ति अपने आप से वफादार हो गया और स्वयं का मूल्यांकन करने लगा, तो उस व्यक्ति को जिंदगी में कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। नो क्रॉस लाइन का मतलब है कि आपको अपने बिजनेस की जानकारी देना है। अगर आपका सगा भाई किसी दूसरे के साथ में मीटिंग में आया है,
तो उसको आपको ज्वाइन नहीं कराना है, क्योंकि जो व्यक्ति लेके आया है हक उसका बनता है। और यही हम लोग डगमगा जाते हैं कि हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, और उनके साथ में गया है, और वहीं कटिया डालने लगते हैं, और वहीं से जो है हम अपने आप को गड़बड़ कर लेते हैं कि हम अपने आप के वफादार नहीं है। अरे इतने वो होते तो आप पहले प्लान दिखा देते, तभी तो कहते हैं कि जो व्यक्ति आज भी ज्वाइन हो रहा है, नहीं भी ज्वाइन है, जितने लोग मीटिंग सुन रहे हैं, तो पागलों की तरह सबको प्लान दिखा डालिए। और जब वो प्लान दिखा दोगे तो जो क्या कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति उनके पास जाएगा तो खुद बताएगा कि उन्होंने प्लान दिखाया था, अगर हम ज्वाइन होंगे तो उनके साथ में ज्वाइन होंगे, ये काम करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में अगर झूठ नहीं बोलोगे तो सफल नहीं होगे, और नेटवर्किंग मार्केट में अगर झूठ बोलोगे तो सफल नहीं होगे। अगर ट्रेडिशनल मार्केट में आपकी दुकान है, अगर अपने भाई को आपने दुकान खुलवा दी और आपकी दुकान नहीं चली तो बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन यहाँ ईमानदारी से अगर आप अपने भाई की दुकान बगल में खुलवा दी और आपने उसको बढ़ा दिया तो आप अपने आप बढ़ जाओगे। तो हमको अपने आप से वफादार होना है, अपने आप का मूल्यांकन करना है, और टेंशन तनाव नहीं लेना है। और एफ लाइन के पंचायत होती है दो दो चार चार छह दिन महीने भर, और उससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो इस तरह का व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति क्रॉस लाइन करता है, और क्रॉस लाइन वाला व्यक्ति कोई कहता है यहाँ ज्वाइन होंगे, कोई कहता है वहां ज्वाइन होंगे, और जो ज्वाइन कहीं नहीं होता है आपस में लीडरों को डिस्टर्ब कर देता है, और आपस में लीडरों के अंदर मनमुटाव पैदा हो जाता है। तो अगर इस चीज का आपने ख्याल रखा तो आपका साल दो साल का समय डायरेक्टर जाने में बिल्कुल बच जाएगा। क्योंकि नो क्रॉस लाइन नहीं करनी है, बिल्कुल आरओ की तरह अपने आप से वफादार बनना है। जिस दिन आप अपना मूल्यांकन करने लगोगे उस दिन सबसे पहले यहाँ पर सफल हो जाओ, और पक्का सफल हो जाओगे। क्यों नहीं सफल हो सकते हो? सफलता की परिभाषा है, जैसे डॉक्टर बनना है तो आपको बायो पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी, टीचर बनना है तो टीचर वाला पढ़ना पड़ेगा सारे बैकग्राउंड, और आपको यहाँ डायरेक्टर बनना है तो यहाँ की शिक्षा लेनी पड़ेगी। और यहाँ की शिक्षा क्या पता है? यहाँ की शिक्षा है, और यहाँ का सूत्र क्या है? आवाज आ रही है? यहाँ की शिक्षा क्या है? सबसे पहले अगर आप अपने आप को जीरो में कर लोगे, जीरो में, जैसे आप लाइन खींचे और दोनों तरफ जीरो लिखिए, राइट और लेफ्ट, आपको बर्फ की तरह बनना है, बर्फ की तरह। अगर बर्फ बन जाओगे तो कोई आग, चाहे जितने बड़े बड़े अंगारे आपके पास आ जाएं, वो धीरे धीरे सब बुझ जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। हमको अपना ईगो खत्म करना, क्या खत्म करना? ईगो। हमको जीरो से ही हीरो बनना है, शून्य से ही शिखर तक हमको पहुंचना है। कुछ दिन के लिए विद्यार्थी जीवन में आ जाए, शून्य हो जाए, शिखर तक पहुंच जाएंगे। अगर लेफ्ट जीरो है और राइट जीरो है, अगर एक एक दोनों जीरो को ऊपर लगाते हैं तो समझिए आपकी वैल्यू, एक तरफ लगाओगे तो 10 गुना बढ़ जाएगी और एक तरफ लगाओगे तो 10 गुना कम हो जाएगी। तो एक है पॉजिटिव एटीट्यूड और एक है निगेटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड पे जीरो बढ़ाना है तो हमारी 10 गुना, दूसरा लगाओगे तो 100 गुना, तीसरा लगाओगे तो 1000 गुना, और चौथा लगाओगे तो 10000 गुना। वैसे आपकी जो है वो बढ़ती चली जाएगी वैल्यू। और इधर लगाओगे, अगर ईगो खत्म करते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, ईगो बढ़ाते जाएंगे तो हमारी वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस तरह से हमको जीरो में करना है कि हमको अपमान, पहला हमारा सब्जेक्ट है अपमान, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तिरस्कार थोड़े दिन झेलना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, मजाक लोग बनाएंगे, मजाक आपको सुनना पड़ेगा, मजाक बनवाना पड़ेगा। अगर आप लोग मजाक बनवाने के लिए तैयार हैं तो यहाँ पर आप सफल हो जाएंगे, और जिसका मजाक नहीं बना है वो इस दुनिया में सफल हुआ है। आप देख लीजिए, आपने हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे एक जवान ने, मैं चौधरी चरण सिंह का इतिहास पढ़ती, वो पहले झोपड़ी में रहते थे, धीरे धीरे सब कुछ करके कहा हुआ, फिर राजा बने, धीरे धीरे यूनियन के नेता बने, फिर किसानों के नेता बने, फिर राजा बने, धीरे धीरे सब कुछ हो गए, लेकिन उन्हें बहुत अपमान झेला। तो जिसका अपमान हुआ है उसी का सम्मान हुआ है। अब देखिए, जैसे ऐसा कोई व्यक्ति है जो अमिताभ बच्चन जी को ना जानता हो, सब लोग जानते होंगे, अमिताभ बच्चन जब हीरो बनने चले थे तो लोगों ने उनका मजाक बनाया था। किसने मजाक बनाया किसी को पता है? लेकिन जिसका मजाक बनाया पूरी दुनिया जानती है। जब कहते थे कि मैं एक जा रहा हूँ, बंबई जा रहा हूँ हीरो बनने,
तो लोग कहते थे साला लंबू तो हीरो बनेगा, इसके अंदर कोई टेक्निका नहीं, हीरो बनने के हीरो कैसे बन जाएगा। तो उसको लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन आज उनको पूरी दुनिया जानती है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी जब उड़ीसा की गलियों में पेपर बेचते थे और कहते थे मैं एक दिन हिंदुस्तान का सफल वैज्ञानिक बनूंगा, तो लोगों ने उनका मजाक बनाया। किसने मजाक बनाया किसी को नहीं पता है, लेकिन इसका मजाक बना है पूरी दुनिया जानती है। धीरू भाई अंबानी जब सिंगापुर में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरते थे, उनको 5 रुपया सैलरी मिलती थी और कहते थे एक दिन मेरे पास भी पेट्रोल पंप होंगे, तो लोगों ने उनका मजाक बनाया है। इनका किसी को पता है किसने उनका मजाक बनाया है, लेकिन किसी को नहीं पता उनका किसने मजाक बनाया है, लेकिन इसका मजाक बना है पूरी दुनिया जानती है। तो दोस्तों जिसका मजाक बनेगा पूरी दुनिया जानती है। जब झोपड़ी में रहने वाले चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, पेपर बेचने वाले देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाले धीरू भाई मानी बन सकते हैं, चाय बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो आपके अंदर हमारे अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत नहीं है जो हम देश के प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। सोच बदलिए, जीने का ढंग बदल जाएगा, क्योंकि जिस दिन आपने सोच बदल दिया और जीने का ढंग बदल जाएगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके अंदर पूरी काबिलियत है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, अगर सोच बदल सकते हो तो जीने का ढंग बदल जाएगा। तो आज से आप अपने लोग सोच बदलिए और मजाक बनवाइए और सारी चीजें हासिल करिए। केवल दुकान बन के राजा महाराजाओं की जिंदगी जिए, ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे जो है सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। और लोगों को अपने सपने बता दीजिए, चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता दीजिए कि हम मेरे साल भर के अंदर गाड़ी होगा, बंगला होगा, मकान होगा, कार होगी, ऐसी जिंदगी जिएंगे, हमारे बच्चे ऐसे ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे। लोगों चिल्ला चिल्ला के बता दीजिए। और क्योंकि जो मैंने बता दिया, बिजनेस में सफल होने के लिए केवल आपको माइंड सेट करने की जरूरत है। जिस दिन आपका माइंड सेट हो जाएगा, तो स्किल सेट कराने के लिए जिन लीडरों को मैंने नाम बताया है, ये ऑलरेडी 24 घंटे तैयार रहते हैं। अगर वो जान जाए कि कोई आदमी अपनी जिंदगी बनाना चाहता है तो पूरी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जब उनको पता नहीं चलता है कि व्यक्ति जिंदगी बनाना चाहता है, तो इसलिए जो है वो लोग जो है कैसे आपकी मदद करें। लाइन आप स्पॉन्सरशिप लोगों को बता दिए और सपने बताइए और लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता दीजिए कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, मन में था विश्वास यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता दीजिए और बताइए कि मैं वो माटी का वृक्ष नहीं, मैं वो माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे ये मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता दीजिए और लोगों को बता जाइए कि इस धरती पर जितने जुल्म नहीं, इस धरती पर जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, तानों के शोरों में रहकर सच कहने की आदत है, तानों के शोरों में रहकर सच कहने की आदत है। लोगों को बता दीजिए कि मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर फिर से खड़ा हुआ, झुक झुक कर फिर से खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं को, अब मिटने का खौफ नहीं। हालातों की भट्टी में, हालातों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोको। लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता दीजिए, और जिस दिन बताओगे तो लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपके अंदर आग, ड्रीम आपके अंदर, क्योंकि बिजनेस को करने के लिए आपको माइंड सेट करने की जरूरत है, माइंड सेट करने की जरूरत है, स्किल सेट करने के लिए हमारे अपलाइन बैठे हैं, और इस बिजनेस को करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, केवल जुनून और जोश की जरूरत है, जुनून और जोश की जरूरत है। जिस दिन आपके अंदर जोश हो जाएगा,
तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि मैं अपनी बात यहीं से समाप्त करने जा रहा हूं, और बस मैं एक नींद बता दूं कि जुनून और जोश की क्यों जरूरत है, कि जितने भी लोग पढ़ाई लिखाई करना कोई बुरी बात नहीं है। बस मैं एक मिनट का और समय लूंगा आपसे कि हमारे देश में हिंदुस्तान में चार कैटेगरी के बुद्धिजीवी लोगों की, चार लोगों की कैटेगरी है। जो टॉप के स्टूडेंट होते हैं हमारे देश में वो बनते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, जो ए श्रेणी के स्टूडेंट होते हैं, जो टॉप क्लास के डिक्शनरी होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो होते हैं ए श्रेणी के लोग। और ए श्रेणी के लोग क्या करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, और साइंस पढ़ने के बाद क्या बनते हैं, नंबर एक कोई तो डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है। ये हमारे देश में ए श्रेणी के बुद्धिजीवी लोग हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना जी? नंबर दो, जो नंबर दो में आते हैं श्रेणी में, वो लोग कॉमर्स ले लेते हैं, और कॉमर्स करने बड़े बड़े बैंकर्स, बीजीएम, रिजर्व बैंक में सीईओ, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग बनते हैं। ये दूसरी श्रेणी के बुद्धिजीवी है हमारे देश में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो नंबर एक वाले लोग हैं उसको नंबर दो वाला चलाता है। क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी है बगैर सीईओ और बगैर सीए के नहीं चल सकता है। जितना लेखा जोखा है नंबर एक वाले का नंबर दो वाला। मेरी आवाज आ रही ना सबको? समझ में आ रहा है ना जी? फिर तीसरी श्रेणी में आ जाते हैं जो लोग, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो आर साइड ले लेते हैं। आर साइड ज्यादातर, ऐसा नहीं है, साइंस और कॉमर्स के भी लोग बनते हैं। जो आर साइड तीसरी श्रेणी के लोग आते हैं तो आर साइड में चले जाते हैं, तो वो लोग बन जाते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आरएस, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस। ये तीसरी श्रेणी के लोग हैं जो पूरे देश को चलाते हैं, देश की इकोनॉमी को चलाते हैं, शासन और प्रशासन चलाते हैं। ये तीसरी श्रेणी के लोग हैं जो आईएएस बन जाते हैं और आईपीएस बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं और पीपीएस बन जाते हैं। तो तीसरी श्रेणी के लोग हैं। तो जो तीसरी श्रेणी की शिक्षा है, तीसरी श्रेणी वाले हैं, ये नंबर एक और नंबर दो वालों को तीसरी श्रेणी वाले चलाते हैं। क्योंकि सारी मैनेजमेंट और सारी व्यवस्था इन्हीं के पास होती है। तो नंबर एक वाले को नंबर दो वाला चलाता है, और नंबर दो एक और दो वाले को नंबर तीन वाले चलाते हैं। आवाज आ रही ना मेरी? इसके बाद चौथी श्रेणी में लोग आ जाते हैं जो हाई स्कूल और इंटर के अलावा आगे ज्यादा नहीं पढ़ जाते। अब बात करूं, मैं आगे पढ़ते हैं, लेकिन जो हाई स्कूल इंटर से ज्यादा नहीं पढ़ पाते वो चौथी श्रेणी में आ जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आ जाते हैं पॉलिटिक्स। हाई स्कूल इंटर ज्यादातर, ऐसा नहीं 100% हो, लेकिन 90% लोग जो हाई स्कूल इंटर पास होते हैं या फेल होते हैं, तो वो आ जाते हैं हाई स्कूल इंटर, आठवां पास, ये सब चौथी श्रेणी के लोग हैं। ये जो होते हैं चौथी श्रेणी में आ जाते हैं, तो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, तो ये लोग नेता बन जाते हैं। तब क्या करते हैं, जब नेता बन जाते हैं तो चौथी श्रेणी वाले नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, तीनों लोगों को चलाते हैं चौथी श्रेणी। अब पांचवी श्रेणी के लोग जो है, पांचवी श्रेणी के लोग आते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, पांच पास है, चार पास है, तीन पास है, पढ़े लिखे नहीं है, आठ में तीन तीन चार चार बार फेल है, नंबर एक वाले जो पांचवी श्रेणी में आ जाते हैं, ये श्रेणी के बाद। तो जो कम पढ़े लिखे लोग जो है और आठ के नीचे फेल वाले हैं, ये बन जाते हैं, क्या करते हैं, ये बन जाते हैं बाबा, ये हमारे संत महात्मा बन जाते हैं हमारे देश में। तो अब संत महात्मा लोग क्या करते हैं, अब सबसे ज्यादा पैसा होता है संत महात्माओं के पास, इनके ट्रस्ट में उठा के देख लीजिए, ये पूरे देश को अगर ठान ले तो सालों तक खिला सकते हैं। तो संत महात्मा बन जाते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये नंबर एक वाले को भी चलाते हैं, नंबर दो वाले को भी चलाते हैं, नंबर तीन वाले को चलाते हैं, और नंबर चार वाले को चलाते। सारे लोग जो है कम पढ़े लिखे वाले के यहाँ हाजिरी लगाते हैं, बाबा जी हम आईएएस आईपीएस बन जाए, बाबा जी हम मंत्री सांसद विधायक जाए, बाबा जी हम साइंटिस्ट बन जाए, बाबा जी हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। तो कम पढ़े लिखे वाले लोग चारों लोगों को चलाते। अब छठी श्रेणी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे होगे,
छठी श्रेणी में हम लोग आते हैं, जो आज की डेट में हमारे टीएमसी के डिस्ट्रीब्यूटर है वो छठी श्रेणी में आते हैं, और छठी श्रेणी वाले उस दिन में सब कुछ चलाएंगे, पांचों लोगों को चलाएंगे कि सबको पैसे की जरूरत है। जब हमारे यहाँ का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर एसडी बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, तो इनके पास सब लोग आएंगे, इनके पास बाबा भी आएंगे, इनके पास ए श्रेणी वाले भी आएंगे, बी श्रेणी वाले आएंगे, सी श्रेणी वाले आएंगे, डी वाले आएंगे, पांचवी श्रेणी वाले आएंगे, और सबको पैसे की जरूरत है। तो हमारे जितने एचडी और डायरेक्टर सब कहेंगे ले लो जाओ, तो हम लोग उस श्रेणी में आते हैं। तो हमको धन्यवाद देना चाहिए ऊपर वाले को, और अपनी अपलाइन को धन्यवाद देना चाहिए कि अपलाइन की कृपा से हमको छठी श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है, इसलिए हमको धन्यवाद देना चाहिए। तो हम लोग छठी श्रेणी में आते हैं। तो अब जो है हम अपनी बात यहीं से समाप्त करें। हम सबको धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे अपनी एक्टिव लाइन अपलाइन का, श्री ए के पांडे साहब का, कि अगर आज ए के पांडे जी और श्री अर्जुन सिंह जी का अगर ये दोनों लोग ना होते तो आप जैसे अच्छे लोगों के सामने, एक मजदूर व्यक्ति, मजदूर का बेटा, आप जैसे अच्छे लोगों के सामने इसका तो कोई नाम है नहीं जानता। गाँव में लोग बुलाते थे गंगाराम हुआ कही, अब से कम गंगाराम तो लोग शुद्ध भाषा में कहने, टीएमसी में आके सारी चीजें जो है ये मिली है। तो मैं सबसे धन्यवाद दूंगा अपने महागुरु ए के पांडे सर का, और इसके बाद अर्जुन सर का, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देंगे अपने छोटे भाई हेमंत जी के लिए, क्योंकि आज वो ना होता तो हमारा यहाँ पर जो है इस टीएमसी सिस्टम से परिचय ना होता, तो वो भी धन्यवाद का पात्र है। तो ये जो हमारी अपलाइन है, हेमंत जी और अर्जुन सर और ए के पांडे सर और हमारे पाल बसनायक जी, हमारे डायरेक्टर साहब मनोज जावा जी, विकास गोयल जी, शेख अबू जैद साहब और कादरी साहब, और सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं हमारे विनोद राठौर सर और पूनम जी, जिन्होंने इतना मदद की, इतना मैनेजमेंट किया, क्योंकि मैं पहली बार जिंदगी में सिस्टम से ऐसे बोल रहा हूँ घर में बैठ कर। तो हम विनोद सर को भी धन्यवाद देंगे और पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोगों ने हमको इतनी देर झेला है, उनको सुना है, इतनी देर हमने सबका समय बर्बाद किया है, तो हम चाहेंगे सब लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, और छठी श्रेणी में ही रहकर हम लोग पूरी दुनिया में छाएंगे और पूरे दुनिया में नाम करेंगे। एक्टिव अपलाइन की गाइडलाइन पे चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बस मैं ही कहना चाहूंगा, असली उड़ान बाकी है इस बाज की, अभी तो असली उड़ान बाकी है इस बाज का, अभी इम्तहान बाकी है, अभी तो मैंने केवल समुन्दर को नांगा है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सारे गुरुओं को प्रणाम करते हुए, और टीएमसी मैनेजमेंट को प्रणाम।